Welcome. Today I am going to teach to class 5th grade about survey. Do you know what is surveys? If you know that, that is very good for you. And if you do not know, don't know, then I am going to explain that what is survey. Survey means to know the total number of the member of people living in the family, living in the city, town, village, state or in our country. So from survey we are going to know the proper and the total number of the people living in our country. So survey is the main and important process of our country. It conducts in every 2 or 3 years. Generally, it is conducted when the elections is going on or are held in that reason the survey is going to be held. This chapter is too small. The question is also I had written in the board that what is survey. You have to write the answer in your copy that what is survey. Now just I have explained that what is survey. So in that you have to give the summary of that what is survey. Now the topic is how to carry survey. This I have to explain it in Hindi. Survey kis tarah se conduct kiya jata hai, aap sabhi logo ne apne apne ghar ke paas dekha hi hoga ki survey kis tarah se hota hai. सभी को मालूम भी होगा कि सर्वे किस तरह से होता है. सर्वे बहुत देखिए एक ग्रुप होता है जिसे हम दो में डिवाइड करते हैं और एक ग्रुप में कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग का होना जरूरी है. अगर दो या दो से ज्यादा लोग नहीं होंगे तो वो सर्वे नहीं माना जाएगा. और सर्वे हम ऐसे लोकैलिटी पे करते हैं जिसे हम अच्छे से जानते हो और समझ सके ताकि कोई भी ऐसा एरिया छूट ना जाए जिसे हम नहीं जानते. इसलिए हम जेन्युइनली उसी जगह में जाते हैं जहां हमें उस जगह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो. ठीक. अब हम जब सर्वे करते हैं तो किस चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या क्या चीज हमें उनसे इकट्ठा करनी है. तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं जिसे हम एस नंबर चौकी आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखते हैं. हम कुछ इस तरह से मार्जिन खींच के रखते हैं अपने कॉपियों पर ताकि हम सर्वे को अच्छे से प्रॉपरली कनेक्ट कर सके ताकि हमें दोबारा किसी के घर जाने की जरूरत ना हो. सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं. सीरियल नंबर में हम 1, 2 ये सब लिखते हैं. सेकंड आता है नेम ऑफ HOF. HOF का फुल फॉर्म होता है हेड ऑफ फैमिली. ठीक है. यहाँ पर घर की मुखिया का नाम लिखा जाएगा. यहाँ पास घर के मुखिया का नाम लिखा जाएगा. यहाँ पास मुखिया क्या कार्य करता है या क्या काम. द जॉब ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली यू हैव टू राइट हियर. यू हैव टू राइट द सीरियल नंबर दैट इज 1, 2, 3 and 4 व्हाटएवर. नेक्स्ट इज नेम ऑफ HOF. HOF नाउ जस्ट आई एक्सप्लेन दैट HOF मींस हेड ऑफ फैमिली. नेक्स्ट इज प्रोफेशन दैट यू हैव टू राइट दैट व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पर्टिकुलर हेड ऑफ फैमिली. And next is number of people living in the family. Suppose I had written here 10. So if you are having 10, then you can also write 10, 2, 3, 4, whatever the member you are having in your house, you can write here. Okay. The next survey on pedestrians. Pedestrians means what you know. पेडिटेंस मतलब क्या. जैसे कि जिस तरह से हम लोग सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पास 10 लिखेंगे तो हम लोग सर्वे के अकॉर्डिंग कैसे 10 लिखेंगे. कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4 and 5. 10 है हमारे घर में तो ये 5 हुआ. 6, 7, 8, 9 and 10. नेक्स्ट है बार चार्ट. सभी को पता है कि बार चार्ट कैसे बनता है. बार चार्ट यहाँ पर दो एक्सिस बनते हैं. एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये जो ऊपर रहता है वो वाई एक्सिस रहता है और ये जो नीचे रहता है वो एस एक्सिस रहता है. ठीक. यहाँ पर हम 1, 2, 3 जितने घर में आपके मेंबर है जैसे कि 10 है
तो 3 है 2 है, तो यहाँ पर हम लोग इसे फिल करते हैं। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम लोग परसेंट निकालते हैं। परसेंट कैसे निकालेंगे? परसेंट हम लोग 100 से निकालते हैं। आप सभी को पता है कि परसेंट किससे निकलता है, तो परसेंट निकलता है 100 से। सो दिस टू इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दैट। थैंक यू, देयर माय टॉपिक ओवर। थैंक यू। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, जिसे हम एस नंबर चौकी आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखते हैं। हम कुछ इस तरह से मार्जिन खींच के रखते हैं अपने कॉपियों पर, ताकि हम सर्वे को अच्छे से प्रॉपरली कनेक्ट कर सके, ताकि हमें दोबारा किसी के घर जाने की जरूरत ना हो। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर में हम 1, 2 ये सब लिखते हैं। सेकेंड आता है नेम ऑफ HOF। HOF का फुल फॉर्म होता है हेड ऑफ फैमिली, ठीक है। यहाँ पर घर के मुखिया का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर घर के मुखिया का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर मुखिया क्या कार्य करता है या क्या काम, द जॉब ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, यू हैव टू राइट हियर। हियर यू हैव टू राइट द सीरियल नंबर, दैट इज 1, 2, 3 and 4 वट एवर। नेक्स्ट इज नेम ऑफ HOF। HOF, नाउ जस्ट आई एक्सप्लेन दैट HOF मीन्स हेड ऑफ फैमिली। Next is professor, profession that you have to write, that what is the profession of the particular head of family. And next is number of people living in the family. Suppose I had written here 10. So if you are having 10, then you can also write 10, 2, 3, 4, whatever the member you are having in your house, you can write here. Okay, then next, सर्वे ऑन पेडिटेंस। पेडिटेंस मीन्स वॉट, यू नो पेडिटेंस मतलब क्या, जैसे कि जिस तरह से हम लोग सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो हम लोग सर्वे के अकॉर्डिंग कैसे 10 लिखेंगे, कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4 and 5। 10 है हमारे घर में, तो ये 5 हुआ, 6, 7, 8, 9 and 10। नेक्स्ट है बार चार्ट। सभी को पता है कि बार चार्ट कैसे बनता है। बार चार्ट यहाँ पर दो एक्सिस बनते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो ऊपर रहता है वो वाई एक्सिस रहता है, और ये जो नीचे रहता है वो एस एक्सिस रहता है, ठीक। यहाँ पर हम 1, 2, 3 जितने घर में आपके मेंबर है, जैसे कि 10 है तो 3 है 2 है, तो यहाँ पर हम लोग इसे फिल करते हैं। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम लोग परसेंट निकालते हैं। परसेंट कैसे निकालेंगे? परसेंट हम लोग 100 से निकालते हैं। आप सभी को पता है कि परसेंट किससे निकलता है, तो परसेंट निकलता है 100 से। सो दिस टू इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दैट। थैंक यू, देयर माय टॉपिक ओवर। थैंक यू।